सारी लड़कियां आ रही है सर को राखी बांध के जा रही है, आपका नाम क्या? नेहा। और आपका? तृप्ति। वेलकम बैक माई डेली फिश चैनल। मैं बढ़िया हूँ, आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे। आज यहाँ पटना में खान सर GS रिसर्च सेंटर, खान सर रक्षाबंधन का उत्सव मना रहे हैं, तो 10 बजे से ये फंक्शन स्टार्ट हो गया था। स्टूडेंट लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गर्ल्स प्रॉपर गर्ल्स के लिए अलाउ है, गर्ल्स ही आ सकती है। क्लास में ऊपर जो सबसे ऊपर चल रहा है खान GS रिसर्च हॉल नंबर 1 में रक्षाबंधन का फंक्शन चल रहा है। हाँ, 1 में ऊपर। हाँ जाइए ना, जाइए। अरे भाई जाओ ना, नीचे खान लाइब्रेरी है, उसमें खाने पीने की व्यवस्था है, और उससे नीचे जिम है, और उसका पूरा अपना सेटिंग अरेंजमेंट सर का ऊपर किया हुआ है, जो खाना पीना प्रॉपर गर्ल्स के लिए जो अरेंजमेंट है। लेकिन बॉयज नॉट अलाउड है, बॉयज नहीं हुआ जा सकते, तो हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं या यहाँ से जो जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, देखेंगे उनकी कितनी एक्साइटमेंट थी रक्षाबंधन को लेकर, खान सर को राखी बांधने को लेकर। चलिए हम उनसे बात करेंगे और पूछते हैं, जानते हैं कितना एक्साइटमेंट है। कुछ गर्ल्स हैं, आपका नाम क्या है? नेहा कुमारी। और आपका? प्रीति कुमारी। आपका नाम क्या है? अर्पणा। पहली बार सर के साथ रक्षाबंधन हुआ? हाँ। इससे पहले भी कभी बांधे थे? नहीं, कभी भी नहीं, पहली बार। कैसी एक्सपीरियंस हुई सर के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके? बहुत अच्छा। चाहे रक्षाबंधन हो या कोई बंधन हो सर, हम लोग हमेशा बकलोलिया ही बोलेंगे। क्या बोलते हैं? बकलोलिया। वो बकलोलिया तो प्यार से बोलते हैं ना? सर की कोई बहन नहीं, इसलिए सर का हाथ बहुत बड़ा हुआ। बोलते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं, लेकिन उनकी हाथ सारी, मतलब सारी इंडिया ही उनकी बहन है, सारी इंडिया की लड़की उनकी बहन। जो भी लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग पूरे स्टूडेंट ही उनका रिस्पेक्ट किए हैं, सब लोग जाकर राखी बांधे हुए। सब लोग उनके यहाँ व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं रहा है, कोई कमी। फैसिलिटी मिली आप लोगों को? बॉयज तो नॉट अलाउड था, बहुत ज्यादा फैसिलिटी था। राखी बनवानी पड़ी, खाने का ज्यादा आइटम होगा, बहुत अच्छा था। तो हम लोग 15 भी काफी है। खान सर के लिए क्या कहना चाहोगे? जो पटना में और कहीं ऐसे फंक्शन हुआ नहीं है रक्षाबंधन को लेकर, कहीं नहीं हुआ, उनका बस यही कहना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी जाएंगे, बस एक दरवाजा खटखटाएंगे, कहीं ना कहीं खोल के कोई 2 रोटी जरूर दे देंगे। मतलब ये हुआ जो खान सर स्टूडेंट को सपोर्ट के मामले में आगे रहते हैं हमेशा, ज्यादा तो लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा, हम लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं जितना हम लोग माँ बाप तो करते ही है, एक दूसरा माँ बाप हम लोगों के लिए खान सर है। सर का स्टडी भी आप जानते हैं, सर को पूरे वर्ल्ड में लोग जानता है, ना कि भारत में इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड का लोग सर को स्टडी टीचर है, स्टडी के मामले में भी। यहाँ तक कि राखी मनाने का ये सब लेके हम लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं सर का क्वालिटी, एजुकेशन सिस्टम सर का पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 क्लास करने लगे हैं ना, तब से हम इतना जानते हैं कि सर का पढ़ाया हुआ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कहीं समझ में नहीं आएगा, उनका हर सब्जेक्ट हम लोग को अच्छे से समझ में आता है। सर किताबी लैंग्वेज नहीं सिखाते हैं हम लोगों को, हम लोग का जो बिहारी यूपी जो हम लोग का लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में समझाते हैं, और वो अगर हम अपने लैंग्वेज में नहीं समझे तो किस लैंग्वेज में समझेंगे। और हम लोग का वैसे भी सुबह 7 बजे से क्लास रहता है, पूरा दिन रात हम लोग लाइब्रेरी में बीत जाते हैं, घर है हम लोग का,
घर है, इसलिए अभी तक हम लोग यहाँ पे है, कुछ फील नहीं हो रहा है कि हम लोग बाहर में, क्योंकि पटना में एक रूम में जाके रहेंगे, ये तो हम लोग का घर है। सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक क्लास, 2 घंटा खाओ पियो, और फिर 12-1 बजे से लाइब्रेरी, 10 बजे रात तक, 9 बजे अंदर में लाइब्रेरी चलता है। हाँ सर, गार्ड करते हैं। हाँ सर के स्टाफ लोग होते हैं सर, कभी कभी आते हैं। अच्छा, चेक करने के लिए। हाँ हाँ सर, कभी कभी मुखर्जी नगर तो सारा सुने हैं, जो अब वो यूपीएससी का सर काफी उसके लिए हाँ अरेंजमेंट किए हैं कि अब कोई भी बच्चा, नेता का कहना कहावत नहीं है कि लीडर का, नेता का बच्चा नेता नहीं बनेगा, ऐसा कुछ कहना होता है, तो सर का अब कहना है कि नेता वही बनेगा जो लायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज देख रहे हैं ना हमारा देश कैसे कैसे लोगों के हाथ में है, आज कुछ और कल कुछ और, कब क्या हो रहा है हम लोग को कुछ नहीं पता चल रहा है, ये तो सारे अपने डिसीजन ले रहे हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर का नाम सुने होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ हम देखे खान सर का मटेरियल ऐसे धरेले से बिक रहा था, तब खान सर तो वही तो बता रहे हैं कि खान सर का तारीफ में मतलब क्या 5 शब्द आप बोल रहे हैं, हम मेरे पास 500 वर्ड्स भी है, 500 वर्ड्स भी कम है उनके तारीफ में इतना कहने के लिए, सब कुछ में खान सर इज बेस्ट है। क्या नहीं करते हैं यहाँ पे, पता है सिर्फ जीएस का क्लास चलता था, स्टूडेंट क्या करता था कि ना मैथ पढ़ता था ना रीजनिंग, जाके एग्जाम में तो पूरा जीएस में पूरा गर्दा उड़ा के आता था, आके रीजनिंग और मैथ में जाके डूब जाता था सर। उसके लिए भी टीचर लाए, बहुत अच्छा टीचर लाए, रीजनिंग के लिए टीचर है, मैथ के लिए टीचर है, इंग्लिश के लिए टीचर है, ताकि कोई बच्चा को कोई परेशानी ना हो, हम लोग सारा क्लास यहीं पे करते हैं। हाँ हर चीज, सुबह से रात तक क्लास करते हैं, लाइब्रेरी रहते फिर जाते हैं। हाँ हम लोग का घर द्वारा है ये, तो सुबह का क्लास और रूम पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं, नहीं नहीं हम लोग रूम में बस सोने जाते हैं, और सुबह में यहाँ पे एकदम 7 बजते यहाँ पे, बस 2 घंटा वो बीच का होता है जो खाना पीना वगैरह खाने जाते हैं बस। तो ऐसे नहीं आए थे हम लोग भी, YouTube पे ही पहले सर को देखे थे कि अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग को तो मतलब एग्जाम क्लियर करना है इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, मेरे पापा को कौन सा एग्जाम देना वो भी देखते रहते हैं सर का वीडियो। इनकी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी ये पढ़ाई कर रही है, काफी स्ट्रगल कर रही है। सुने हैं खान सर जो क्लास में स्टडी का पढ़ाते हैं वो क्लास में ही लर्न करवा देते, याद करवा देते हैं। हाँ खान सर बोलते हैं ना कि तुम लोग कोरिया है, तुम लोग रूम पे नहीं पढ़े। हाँ तुम लोग, हम लोगों को जो वर्ड बोले कम है, लेकिन उसके लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किए, प्लस सर भी बहुत टाइम कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज समझ में आ जाए, ताकि यहीं पे बच्चे समझ उसके। पटना की लड़कियों से क्या कहना चाहिए लास्ट, पटना की लड़कियों से? तो हम लोग जब दूर के आके यहाँ पे पढ़ सकते, तो जो पटना की हैं तो उनका तो और भाग्य अच्छा है कि वो तो मतलब अच्छे से पढ़ाई, हम लोग यहाँ लॉज में रह के बहुत सारी मतलब कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है, जो कि लेकिन वो सब सारी मतलब कठिनाइयाँ हमारे लिए कुछ नहीं है, जब खान सर जैसे टीचर हैं प्लस, और जब खान सर हमारे टीचर है तो हमें विश्वास है कि हम लोग लाइफ में कुछ जरूर कर लें। अधिकतम फील हो रहा है कि इतना अच्छा घर पे भी हम लोग नहीं बना पाते जितना अच्छा यहाँ पे फील है। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, भाई को एक भाई को राखी बांध, यहाँ पे इतना अच्छा लगा ना मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड में ये अपनी खुशी को। आज का दिन खान सर आप लोगों के लिए स्पेशल बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा याद रखेंगे ऐसी रक्षाबंधन ऐसा लाइफ में। हाँ अगर देखिए अगले साल फिर मिलता है कि नहीं, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी, हमको नहीं लगता मेरे घर पे भी नहीं होगी इतनी अच्छी जितना अच्छा यहाँ पे लगा। अगर जॉब हो भी जाती है ना, जॉब हो भी जाती है तो इस सर के लिए एक दिन टाइम निकाल के तो हम लोग राखी के दिन जरूर हर साल आएंगे, अगर हम पॉसिबल रहा पास में रहे पोस्टिंग पास उसमें रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि राखी में हम लोग सर के पास जरूर आए, बहुत अच्छा लगा, ऐसा राखी हम लोग हर साल मनाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आप लोगों को राखी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम क्या है? शिखा। आपका? प्रिया। और आपका? रागिनी तिवारी। आप लोगों का कैसा रहा आज का रक्षाबंधन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, इतना अच्छा तुम लोग घर पे भी नहीं लगता है जितना यहाँ पे लगता है, यहाँ इतना अच्छा से प्रोग्राम करा हुआ था, हम कहीं भी नहीं देखे थे ऐसा, फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम ही मेरा मन खुश हो गया। हम दूसरे बार आए थे, पिछले लॉकडाउन में भी आए थे तो इतना मतलब अच्छा से माहौल नहीं बना हुआ था, और सर ऑफिस में बैठे हुए थे सब मतलब लड़की लोग आ रही थी बांध कर जा रही थी, लेकिन इस बार हम मतलब ऐसी फंक्शन वगैरह पहली बार हो गया था, इतना ऑसम हो गया था बोलिए, घर पे भी सब लोग बुला रहा था लेकिन हम नहीं गए, बोले खान सर मेरे भाई हो गए, घर वाले गए।
फेवरेट सर हो गया। फेवरेट बहुत अच्छे सर है। और देखिए भी समझाने में पूरा अच्छा, लड़की लोग को अपने टीचर को बुरा लगता है कि खान सर लड़की लोग का बुराई करते हैं। जी नहीं, हम लोग को समझने के लिए बोलते हैं, हम लोग को सीखने के लिए बोलते हैं ताकि लड़की आगे बढ़े। और बिल्कुल नहीं कि हम लोग से उनका क्या दुश्मनी है कि जो ऐसे लड़के ये सब जो वीडियो देख रही उससे वो लोग प्रेरित होके और आ रही है। और मतलब पहले का पहला ग्राउंड है उसपे सबसे ज्यादा लड़का से बेसी लड़की लोग, लड़की का संख्या बढ़ रहा है। आप लोग कभी आके देख लीजिएगा लड़की की ऐसी संख्या है कि सब लोग घूम रहता है। पटना में लड़की खान सर के यहाँ ज्यादा ही है। और हम लोग बिहारी है, हम लोग को बिहारी लैंग्वेज ही ज्यादा अच्छा समझ में आता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज उतना समझ में, जो भाषा में सर समझाते हैं पूरा तरीके से समझ में आ जाता है। बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, लैंग्वेज में जो पढ़ाते हैं उसकी कोई तोड़ नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम लोग ये बात है, हम लोग बिहारी हैं और बिहार से सब लोग ऐसी बातें आते हैं। और ऐसी लैंग्वेज में समझाना एक होता है कि बड़ा बड़ा वर्ड रहता है समझ में नहीं आता। किताबी लैंग्वेज तो बहुत सारी है, हम लोग किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी लैंग्वेज में समझाते हैं ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाता है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है, किताबी लोग तो घर पर भी पढ़ सकते हैं। इससे और टीचर को सीखना चाहिए क्योंकि और सब आप देख लीजिए क्लास के साथ हर जगह बंद है, सब टीचर सब प्रोफेशनल हो गए हैं। हाँ, तो हो गई है। लेकिन खान सर जो है जो स्टूडेंट के लिए अपना टाइम दिए, तो खान सर का टाइम तो एक एक मिनट काउंटिंग होती है ना। कहीं वो खान सर से देखिए कितने यहाँ पे टीचर हैं, उनसे मिलने के लिए स्टूडेंट जाते हैं तो जस्ट मतलब मिल जाते हैं। हम लोग डरते हैं कि काश सर हम लोग से पैर छुआ लेते, लेकिन पैर भी नहीं, ना लड़का से ना लड़की से किसी से भी नहीं छुआते। इतना भीड़ रहता है, किसी पॉसिबल ही नहीं रहता है। सिर्फ लड़कियाँ आई वो इतना कंजेस्टेड हो गया कि आपको बता नहीं सकते, बहुत कंजेस्टेड। हम लोग जबकि लड़के थे ही नहीं, लड़के थे ही नहीं, बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा था। दस साल है, दस साल में भी जगह मतलब पैर रखने का जगह नहीं था। सब स्टूडेंट लाइब्रेरी तो पूरा कच कर करके पूरा भर गया था। सर को कितना राखी बांधा गया मिलियन में गया होगा बेचारे सर, अपने हाथ भी नहीं उठा पा रहे। का क्लास का व्यू मिलियन में जाता है, राखी का व्यू मिलियन में गया। देखिए ना मतलब आज के दिन उनका कितना खुश नसीब होगा, किसी के भी भाई के भाई का राखी बंधाता होगा तो 10 या 5 से बेसी नहीं बनाता होगा, लेकिन इनकी इतनी बहन है कि उनका हाथ नहीं उठ रहा है। और कितना उनको खुशी लग रहा होगा कि मेरी इतनी सारी बहन है, कभी मुझे तकलीफ ना हो। हम लोग को भी खुशी है कि ऐसा भाई भगवान सब गर्व महसूस होता है, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। बिल्कुल सर, और टीचर को सीखना चाहिए, लड़की के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लड़का हो या लड़की सबको सब सम्मान देते हैं, प्यार देता है। वो बोलना कमेंट करना वो तो वो सब सर का प्यार है, सर का प्यार है। हर भाई बहन से लड़ाई को मिलेंगे तो बात वही हो जाए, प्रोफेशनल बन जाएंगे। आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं हो जाएगा। ऐसा हम लोगों को सर मिले हैं, हम लोग बहुत बड़ा भाग्यशाली सर आप लोगों को हर जगह मिले ऐसी राखी आपको हर साल। बिल्कुल, कहीं भी रहेंगे अगर जॉब भी लग जाए ससुराल भी रहेंगे तो सर को बांधने के लिए जरूर आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। भाई बहन का प्यार ऐसा होता है कि कभी टूटता नहीं। आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंजॉय करें क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। दोस्त आज का दिन पूरे सर खान सर अपने स्टूडेंट के साथ बिताए, भाई बहन का जो त्यौहार था रक्षाबंधन उनको जम के सेलिब्रेट किए, भाई बहन का जो प्यार था वो बांटे अपने स्टूडेंट के साथ। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आप ऐसे ही वीडियो में बने रहें, ज़्यादा अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और आप लोगों को